तो आइए हजरात इस माहौल को जो इस वक्त बना सकता है उसके लिए मुझे जरूरी है कि खातून से आपकी मुलाकात, वो हरदिल अजीज शायरा जिसे आपने बारहा अपनी बस्ती में सुना और इससे कबल वो आपके दयार में तशरीफ लाई। मोहतरमा मेहनत से हर भी साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाए तो अपने कलाम से नवाजे। और सभी अहले इल्म हजरात को आदाब पेश करती हूँ। आदाब। देखिए हजरात, आपके यहाँ पर पहले भी हमारी हाजिरी हुई है और हमें मालूम है कि सहसवान की सरजमीन पर अच्छे शेरों की हिफाजत की जाती है। बेशक। मुबारकबाद पेश करती हूँ आप सभी को कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत महफिल का इनाकात किया। लिहाजा सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए चार मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। अगर किसी काबिल हो तो आप सभी से दुआएं चाहती हूँ। जिस शख्स के दिल में न हो कुरान की अजमत, वाह वाह वाह। जिस शख्स के दिल में न हो कुरान की अजमत, क्या कहने, वो शख्स जमाने में परेशान रहेगा। जिस शख्स के दिल में न हो कुरान की अजमत, वो शख्स जमाने में परेशान रहेगा। कतरा के गुजर जाए मगरूर हमारे, कतरा के गुजर जाए मगरूर हमारे, कायम जो सोलों पर मुसलमान रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, शुक्रिया। कतरा के गुजर जाएंगे मगरूर हमारे, कायम जो सोलों पर मुसलमान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी की कि आप लोगों ने इतनी दुआएं दी। और यहीं से गजल का मतलब दो तीन शेर पेश करती हूँ। देखिए हजरात, यहाँ पर बहुत ही मोतबर शख्सियत स्टेज पे जलवा फरोज हैं। मैं सभी से दुआएं चाहती हूँ और गजल का मतलब पेश करती हूँ। समाज फरमाएं, आईना न बन जाना, अच्छा मिसरा है। पत्थरों की बस्ती में आईना न बन जाना, पत्थरों की बस्ती में पत्थरों की बस्ती में, पत्थरों की बस्ती में। वाह वाह, राह पर नहीं मिलती रहस्यों की बस्ती में। वाह 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 वाह, राह पर नहीं मिलती रहस्यों की बस्ती में। और ये शेर भी बतौर खास समाज कीजिएगा। देखिए कांदा साहब, कि दुश्मनों की साजिश का, दुश्मनों की साजिश का कोई गम नहीं होता। अच्छा मिसरा है। कि दुश्मनों की साजिश का कोई गम नहीं होता, जब उससे चोट खाई है दोस्तों की बस्ती। शुक्रिया, नवाजिश। देखिए हजरात, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहीं से ये शेर पढ़ती हूँ, अगर किसी काबिल हो और आपके दिलो दिमाग तक ठहर जाए तो आप सभी से दुआएं चाहती हूँ। देखिएगा स्टेज से भी बतौर खास कीजिएगा, तवज्जो चाहती हूँ। कि मुस्तकिल जमाने में रोशनी लुटाते हैं, क्या कह रहे हैं, मुस्तकिल जमाने में
रोशनी लुटाते हैं। लाख आंधियां आए जुगनुओं के बस्ते में। वाह 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 शुक्रिया। लाख आंधियां आए जुगनुओं के बस्ते क्या। वो गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, समाप्त फरमाएं। दोस्तों थोड़ा सा सुकून के साथ आप सुने। आपकी मेहमान शायरा जिन्हें आपने बारह अपने यहाँ बुलाया है, आज फिर वो आपकी दया में, मैं चाहता हूँ वो भी इत्मीनान से यहाँ कलाम सुनाएं। जितने भी लोग हैं जिन्हें जाना था, जो मुशायरे को देखने वाले थे, वो चले गए, मगर आप सब मजमा यकजा होकर एक बार तालियां बजा के सबूत दे दे कि वाकई अब भी मुशायरों को सुनने वाले मौजूद हैं। पढ़िए। और गजल का मकता पढ़ती हूँ, फिर इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे नौजवान दोस्त भी तशरीफ रखते हैं, उनके मतलब की भी शायरी करूंगी। लेकिन मतलब पेश वो मकता पेश करती हूँ, अगर किसी काबिल हो तो चाहती हूँ। देखिएगा कि जुल्म आज दुनिया में हद से बढ़ गया है ना। जुल्म आज दुनिया में हद से बढ़ गया है नाज। फिर ज़बानी आएगा ज़ालिमों की बस्ती में। क्या कहने वाह। फिर ज़बानी आएगा ज़ालिमों की बस्ती में। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। मैं यहीं से चार मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त फरमाएं। यहाँ पर हमारे करम फरमा हाशिम फिरोजाबादी साहब, इंतखाब संभली साहब, जनाब अंदाज दिल्ली साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उसे दुआएं चाहती हूँ, चार मिसरे इनकी मतलब की शायरी कर देती हूँ। देखिएगा। जो बहुत दुश्वार था वो मसअला हल कर गया। ख्वाब जितने भी अधूरे थे मुकम्मल कर गया। जो बहुत दुश्वार था वो मसअला हल कर गया। ख्वाब जितने भी अधूरे थे मुकम्मल कर गया। आज वो रोया तो आंखें मेरी भी नम हो गए। आज वो रोया तो आंखें मेरी भी नम हो गए। खुद तो पागल था ही वो मुझे वो भी पागल गया। वाह बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। वाह शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हजरत, यहाँ पर हमारे अंसार साहब, उनका हुक्म और मेरी हाजिरी, मैं मतलब पेश करती हूँ उनके हवाले से, समाप्त फरमाएं। देखिएगा जी, सुनिएगा गजल का मतलब पेश करती हूँ। सामने यूं ही बैठे रहो देख कर मैं सांवर जाऊंगी। अच्छा मिसरा है। वाह। सामने यूं ही बैठे रहो देख कर मैं सांवर जाऊंगी। अब बेरुखी से जो पेश आओगे टूट कर मैं बिखर जाऊंगी। मोहतरमा अंसार भाई लौट आए, मैं बता दूं वो अपनी अहलिया को घर पहुंचाने गए थे, इसलिए कि इत्मीनान से आपको सुन सके। जी शुक्रिया। बेरुखी से जो पेश आओगे टूट कर मैं बिखर जाऊंगी। क्या कह रहे हैं। वाह। और गजल का ये शेरी बतौर खास समाप्त कीजिएगा।
कि भूल कर सारे शिकवे गिले, याद माजी के पूछ कीजिए। क्या कह रहे? भूल कर सारे शिकवे गिले, याद माजी के पूछ कीजिए। और प्यार से एक नजर देखिए, रूह तक में उतर जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह वाह वाह, क्या कह रहे? बहुत बहुत शुक्रिया जाग, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, समाज फरमाएं। स्टेज से तमाम शौर्यग्राम से तवज्जो चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, अगर मेरा शेर की सब काबिल हो तो देखिएगा, समाज फरमाएं। कि मैं हूँ उर्दू जुबान आपकी, मेरा कोई भी सानी नहीं। क्या कह रहे हैं? वाह वाह, कासिर भाई समाज फरमाएं। कि मैं हूँ उर्दू जुबान आपकी, मेरा कोई भी सानी नहीं। रास्ते खुद महक जाओ, मैं जिधर से गुजर जाऊंगी। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। रास्ते खुद महक जाएंगे, मैं जिधर से गुजर जाऊंगी। और गजल का ये शेर भी पढ़ती हूँ, समाज फरमाए। देखिए अंसार भाई, ये शेर बहुत ही काबिल एहतराम है, इसकी हिफाजत कीजिएगा, देखिएगा, समाज फरमाए जी। कि चाहे जितने तू कर ले सितम, सर झुकेगा ना मेरा कभी। चाहे जितने तू कर ले सितम, सर झुकेगा ना मेरा कभी। और मैं मोहम्मद की शिदाई हूँ, क्या समझता है डर जाऊँ। मैं मोहम्मद की शिदाई हूँ, क्या समझता है डर जाऊंगी। गजल का मकतब पढ़ती हूँ, फिर आपसे इजाजत, समाप्त फरमाएं। कि चांद भी नाज ढलने लगा, फिर मिलेंगे ये वादा रहा। वाह 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 वाह। चांद भी नाज ढलने लगा, फिर मिलेंगे ये वादा रहा। आप भी अपने घर जाइए, मैं भी अब अपने घर जा। वाह वाह जिंदाबाद,